शाम ढलने को थी, मौसम सुहाना था, मैं अपनी मस्ती में मार्केट घूम रहा था कि तभी एक प्यारी सी आवाज मेरे कानों में पड़ती है। अरे भाई, एप्पल के नए वाले एयरपोर्ट्स मैक्स लेगा क्या? मात्र 2000 रुपए में दे दूंगा। 2000 रुपए में एयरपोर्ट्स मैक्स? ठीक है फिर। तो इस तरह बैटल स्टार्ट हुआ हमारे 60,000 के एप्पल एयरपोर्ट्स मैक्स और उसके चाइनीज भाई 2000 के एप्पल एयरपोर्ट्स मैक्स क्लोन की। तो भाई, इंसान हो या प्रोडक्ट, पहला जजमेंट जाता है उसके लुक्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं दोनों ही के अनबॉक्सिंग के साथ और हम पहले अनबॉक्स करेंगे अपने सस्ती मस्ती को। भाई बॉक्स देखो कितना ज्यादा सिमिलर लग रहा है, बट इन दोनों का साइज तो भाई दो उंगली के बराबर का है और दोनों की चौड़ाई में अगर देखा जाए दो उंगली का डिफरेंस है दोस्तों। इन दिस केस साइज डजंट मैटर, बट रियल लाइफ में सभी को पता होगा दोस्तों साइज कितना मैटर करता है। पीछे से देखोगे अगर आप, सिमिलर फोटोज हैं और जो खोलने का एक्सपीरियंस है, चाइनीज वाला सस्ता लगता है दोस्तों। डिब्बे में बस हेडफोन फेंक दिया ना उन्हें, भाई निकाल लेते हैं। फिर इसकी क्वालिटी का अंदाजा आपको तभी लगेगा जब हम 60,000 वाले को खोलेंगे। इसको खोलने का एक्सपीरियंस तो काफी स्मूथ है, आराम से उतर जाता है इसका बॉक्स और बॉक्स के अंदर बड़े ही शांत से अपना एयरपोर्ट्स मैक्स रखा हुआ है। क्वालिटी के ऊपर जैसे भी आऊंगा, क्या तगड़ा बॉक्स बनाया भाई इन्होंने। और 60,000 में ये मस्त सा पेपर डॉक्यूमेंट मिला है, मस्त रंगीनियां मचा रखी है एप्पल वालों ने और 2000 रुपए के अंदर ऐसे मस्त सी पर्ची डाल रखी है। बस इतनी है, मुझे तो 60,000 और 2000 का डिफरेंस अभी पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं। दोनों ही हेडफोन में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, ऑल्दो पहली नजर में जो चीज में सबसे ज्यादा खटकी, ये चाइना के चोर बाजार वाले का हेड। इसके प्लास्टिक को देख के ऐसा लगता है मंगल बाजार की 50 रुपए टोकरी वाला जो प्लास्टिक होता है ना, वही है ये। और लगता क्या है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि चाइनीज चाचू लोग ने यही काम किया है। और अपने 60,000 वाले भैया का थोड़ा हेड वेट देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो हेड पूरा फैब्रिक का बना हुआ है, काफी ज्यादा हाई क्वालिटी वाला है। वैसे दोनों मच्छरदानियों का कंपैरिजन आप देख सकते हो दोस्तों, एक का बड़ा है एक का छोटा है, लेकिन छोटी चीज मुझे आज पसंद आ गई। आई मीन कंफर्टेबल है भाई, तो क्या दिक्कत है। इसके अलावा दोनों ही हेडफोन का जो केस है भाई, काफी ज्यादा यूनिक है। ये ओरिजिनल और ये फेक, डिफरेंस तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों ही का डिजाइन काफी अंतरिम वस्त्र जैसा दिखता है दोस्तों। अगर दोनों ही के अंतरिम वस्त्र के बारे में बात कर ले भाई, ये असली वाले का जो अंतरिम वस्त्र है प्रीमियम रशियन अंतरिम वस्त्र लग रहा है मुझे। दूसरा वाला किसी चाइनीज अंतरिम वस्त्र जैसा वाइब देता है मुझे। मतलब क्वालिटी में दोस्तों रशिया और चाइना वाला पूरा पूरा फर्क दिख रहा है यहाँ पे। और चाइनीज माल के अंदर दोस्तों ये बटन डाल रखा है इन्होंने। ये बटल की प्लेसमेंट थोड़ी वियर्ड नहीं लग रही? आप भी देखो दोस्तों। चलो जाने दो, इसको निकाल लेते हैं अभी बाहर भाई। लेकिन असली वाले का अंतरिम वस्त्र जो है दोस्तों, इसको खोलने में और बंद करने में क्या मजा आ रहा है। इसके अंदर लेटेस्ट मैग्नेट वाला टेक्नोलॉजी है और कोई भी दो बटन वटन नहीं है दोस्तों कि वियर्ड फील हो, लेकिन पूरा डिजाइन ही वियर्ड है। वेट देखते हैं भाई दोनों हेडफोन का। एयरपॉड्स मैक्स भाई ये आया 0 ग्राम का, ये कौन सी डंडी मार रहे हैं भाई। लेकिन अगर हटा देंगे 384 ग्राम है। अपना जो तराजू ना दोस्तों, ये हमने स्पेशल मार्केट खरीदा, आपको बताऊंगा नहीं कहां से। एक बार चाइनीज चाचू को भी देख लेते हैं। अरे भाई इसका वेट मैनेजमेंट सही नहीं है, ये उल्टा करना पड़ेगा। रुक जा भाई, पैसे ले लियो यार 1 रुपए और। भाई ये 220 ग्राम का है, टेक्निकली इसको 420 ग्राम होना चाहिए दोस्तों। तो वेट में तो डेफिनेटली एप्पल एयरपॉड्स मैक्स को थोड़ा डाइट करना पड़ेगा। और भाई दोनों हेडफोन खोलते ही मेरी नजर गई है इसके कुशन के ऊपर। ये वाला कुशन देखने में काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है भाई। और अगर अपने एयरपॉड्स मैक्स की बात करें, इस कुशन के साथ अगर आप गाने सुनोगे तो आपको अरिजीत सिंह के गाने का सारा दुख भाई डायरेक्टली कनेक्ट करेगा आपके दिलों में। और कुशन के अंदर एक बहुत मस्त टेक्नोलॉजी डाली थी एप्पल ने। इसका कुशन आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे लग जाएगा भाई। मैग्नेट फेवरेट है एप्पल का, हर जगह भाई मैग्नेट डाल देते हैं वो। और इसी को कॉपी करते हुए चाइना के पालिका बाजार से ये कुशन टेक्नोलॉजी देखिए आप। ये क्या था भाई, इसके अंदर मैग्नेट नहीं जुगाड़ चलता है। ये ब्लैक वाला पार्ट कम नहीं है, ये पूरा निकल जाता है मस्त भाई। और इसको पहनाने का जो तरीका है वापस, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन कर लूंगा भाई। हमने पूरा 58,000 जो बचाया है। This versus this. इसी को कहते हैं दोस्तों रशियन और चाइनीज का डिफरेंस। हम बढ़ते हैं आगे और दोस्तों अब करते हैं अपने असली आईफोन से कनेक्ट। अगर आप असली वाला एयरपॉड्स मैक्स कनेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन आएगा जो कि हर एप्पल के पॉड्स के साथ आता है। लेकिन अगर आप एक चाइनीज चाचू का एयरपॉड्स मैक्स कनेक्ट करोगे, इसको दबा के ऑन करेंगे, कुछ बोलो, कुछ बोल नहीं रहे भाई। अब देखते हैं फिर कितना पेयरिंग बाजी होगी यहाँ पे। ओ दोस्तों ये मजाक नहीं है, ये असली बात है। कलर में थोड़ा कंफ्यूज है दोस्तों, लेकिन क्रिएटिविटी में 10/10। कनेक्ट कर लेते हैं, इसने बोल दिया कनेक्टेड और बैटरी पे दिखा रहा है 80%। तो स्टार्ट कर देते हैं, फिर फील लेना इसका। और जहां तक बात करें नॉइस कैंसलेशन की, असली वाले का नॉइस कैंसलेशन बहुत बेहतरीन है भाई। कान में लगाते वक्त बदल लेता है, जज्बात बदल लेता है, बाहर की सारी नॉइस कैंसिल हो चुकी है। टेम्पू जा रहा था क्या यहाँ से? और अब एक बार अपने चाइनीज चाचू को हेडफोन लगा लेते हैं भाई। इसकी फिटिंग तो काफी डमाडोल है और बाहर
बाहर की नॉइज सब सुनाई दे रही है। देखो अंकल देख रहे हैं मुझको, वो भी सुनाई दे रहा है। अंकल के गर्दन का कड़क भी सुनाई दे रहा है मुझको। तो सब्सक्राइब कर लेना अंकल। इसने मेरा वक्त, जज्बात, साउंड, नॉइज कैंसिलेशन कुछ भी नहीं बदला और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दौड़ते हुए दोनों में से ज्यादा कंफर्टेबल कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं महंगे वाले से। भाई फिटिंग तो काफी मस्त आ रही है, खूब जोर से दौड़ने वाला हूँ मैं। ऑन द मार्क गेट सेट गो। भाई जोर से दौड़ना पड़ेगा यार। हेडफोन तो ऐसे ऐसे हो रहा है, एक पोछल के भी देख लेते हैं। हेडफोन गिर जाएगा अगर दौड़ोगे लेके तो। उसको नॉट रिकमेंडेड फॉर रनिंग, ओनली लिस्टिंग सॉन्ग। अब बारी है चाइनीज चाचू की। लो भाई एंजॉय। भाई इसकी फिटिंग तो ऑन द मार्क गेट सेट। भाई 100 मीटर जाने से पहले ही गर्दन में आ चुका है, इसको अगर लगा के दोबारा दौड़ता हूं। एक बार चल के भी देख ही लेते हैं, रुक जाओ। भाई चाइनीज लोगों ने मेहनत नहीं की इस बार। भाई ये तो 2 सेकंड में नहीं टिक पाया यार, नॉट सो रिलेटेबल। और 2 सेकंड तो किसी को पसंद में नहीं आएगा। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, एयरपॉड्स मैक्स इतना ज्यादा भारी होने के बाद भी अनकंफर्टेबल नहीं था। इसको पहन के आप नॉर्मल जॉगिंग और रनिंग कर सकते हो। बहुत तेज दौड़ना है तो उसके लिए प्रोडक्ट अभी एप्पल वाले बना रहे हैं। इसलिए हमारे पास आ चुके हैं दी वन एंड ओनली अंधी अनमोल दोस्तों। भाई ये अभी एक्टिंग कर रहा है लेकिन इसको एक्चुअल में अंधा बनाया जाएगा। Why your head is so big? Because I am big, भाई। गिट्ठा थोड़ा तेज कर देते हैं। भाई ये कितनी उंगलियां हैं? कहाँ हैं? पक्की बात दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले दोनों ही का अंतरिम वस्त्र दिखाते हैं इनको। भाई हाथ आगे करो। ये लो पहला। फील करो दोनों हाथों से। वस्त्र छूना है, वस्त्र अंदर का मामला नहीं छूना है। कैमरा इधर है। चलो गया, दूसरा देख ले। भाई ये तो ये भाई अब सुनाते हैं दोनों ही हेडफोन का गाना। गाना ही करो भाई, गाना बजाया जाए। भाई कैमरा उधर, भाई कैमरा उधर है, कुछ सुनाई दे रहा है भाई। अभी हम ये वाला गाना बजा रहे हैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके। अब हेडफोन चेंज करते हैं, गाना बजाया जाए। भाई इसमें भी हम लोग सेम गाना प्ले कर रहे हैं। आवाज कैसे आ रही भाई? दूसरा मगरमच्छ आ चुका है। क्या हाल है भाई? मगरमच्छ नहीं है यार, सरप्राइज सरप्राइज मगरमच्छ। हम लोग ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी ब्लाइंड फोल्ड करेंगे। झुको पकड़ो हाथ से। कट कुछ नहीं दिख रहा है, वही तो प्लान है। आराम से भाई, इसका बाल 3-4 निकल गया मेरे हाथों। आर यू फाइन? भाई कितनी उंगली है? उंगली है भी है, नहीं है। भाई को अंतिम वस्त्र नहीं पूरी बॉडी देंगे फील करने के लिए। रशियन चाइनीज। भाई लगता है एडिट कर रहा है बीच में। तुमको बताना है बस रशियन कौन है चाइनीज कौन है, ठीक है? हाथ आगे करो। ये लो फील कैसा है? हल्का है बहुत। ये लोकल है भाई, 100% बंद करके बोल सकता हूँ। ये देते हैं आप। ये लग रहा है ना कुछ रशियन का गाल। भाई बस के वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डालनी है, ठीक है सर। भाई बहुत चिकनाई है भाई, ये समझ सकता हूँ ये कैलिफोर्निया का होगा भाई। चल ठीक है भाई, बॉडी में डिफरेंस बताना बहुत आसान है लेकिन मुमताज गाने में भाई बहुत दिक्कत होगी। जब गाना बजाएंगे हम लोग ना तब तुझको डिफरेंस समझ में आएगा। आ जाओ, सेम गाना बजा रहे हैं। गाना छा रहा है बस। सेकंड हेडफोन ट्राई करते हैं। लगा रहा हूँ भाई हेडफोन। भाई इसकी फिटिंग से पता चल रहा है ये चाइनीज है। मतलब भाई लगाए हुए 1 सेकंड में नहीं हुआ था और डिफरेंस पता चल जा रहा है। लेकिन गाना कैसा आ रहा है? ओ भाई लग रहा है बिहार में डीजे के सामने नाच रहा हूँ। बिहार में क्यों? मतलब बिहार में सुनूंगा ना भाई, बिहार के खिलाफ एक पॉइंट बता रहा हूँ भाई, और कहीं गया नहीं ना बिहार के अलावा। टेस्टिंग का रिजल्ट देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 60,000 है और जो 2,000 है डिफरेंस एविटेबल है। इससे तो अच्छा पालिका वाली होगी भाई। मजाक की बात थोड़ी सी करते हैं, साइड में एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी में बहुत मेजर डिफरेंस है। अपना असली वाला है भाई मेटल। अरे बाप रे, शिट, जोस मार लिया। भाई एल्युमिनियम बिल्ड है लेकिन अगर इसको मैं दांत पे और भी जोर से मारू ना आपको दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक है सस्ता वाला। और जब बटन प्लेसमेंट देख रहे हो यहाँ भी पूरा कॉपी नहीं हो पाया है। और जो एक्सपीरियंस में ना भाई काफी डिफरेंट है। जैसे कि अगर हेड को एडजस्ट करना है, इसका फील उतना स्मूथ नहीं है। लेकिन अगर ओरिजिनल दिखाऊं आपको मैं,
भाई क्या स्मूथ है यार, इसको जहाँ चाहो वहाँ रोक सकते हो। प्लस इसके बिल्ड में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, वही रशिया और चाइना वाला प्लास्टिक मेटल। और अगर आप ओरिजिनल वाले का डायल से घुमाते हो ना, अंदर में कट 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 आवाज करता है, या फिर अगर ये बटन आप प्रेस करते हो भाई बटन बहुत स्मूथ, इससे नॉइज कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में चेंज होता रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं 2000 वाले हेडफोन का, भाई इसको पहनते फील होता है कि काफी चिपड़ू सा है, बिल्कुल फिटिंग अच्छी नहीं है। और अगर बटन घुमाए हम भाई, बटन कैसे घुमाएं समझ ही नहीं आ रहा। मतलब जो प्राइस का बहुत बड़ा सा डिफरेंस है वो पूरा पूरा समझ में आएगा। और इसके लिए मैं 2000 तो कभी ना दूं। और एक बार इसको मोड़ के देखते हैं, देखो भाई फ्लेक्सिबिलिटी तो काफी तगड़ी है यार इसकी, उल्टा मोड़ दिया तो सीधा नहीं कर पाऊंगा। और अगर एयरपॉड्स मैक्स की बात करूं भाई, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी कमाल की है। इसके अंदर मेटल की रॉड है जिसकी वजह से आपको परफेक्ट फिटिंग मिलती है आपके कान और सर पे, बट भाई वेट तो फील होता है। तो हर चीज में चाइनीज चाचू ने तो बहुत गंदी वाली मार खाई है यहाँ पे, लेकिन एक चीज में नकली वाला बहुत सही जीता है, वो है शोबाजी की परीक्षा। इसको लगा के जो शो ऑफ आप कर सकते हो वो किसी और में नहीं होगा। मैंने एक स्नैप अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे और स्नैपचैट पे डाल दिया और मेरे सारे मित्र गणों ने भाई कॉन्ग्रेचुलेशन की बधाइयां डालना शुरू कर दी। भाई एयरपॉड्स मैक्स ले लिया, ये नाइस। वो बात अलग है दोस्तों, असली वाला एयरपॉड्स मैक्स किसी ने देखा ही नहीं आज तक। मेरे दोस्त गरीब है, मुझे पता ही नहीं था भाई, नीड टू चेंज माय सर्कल। मजाक भाई मजाक, कोई अनसब्सक्राइब नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करते हैं दोनों ही हेडफोन को, तो डेफिनेटली आपको इस कंपैरिजन का विनर बताने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है ना भाई। और अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए, ये ओरिजिनल वाला एयरपॉड्स मैक्स रिकमेंड करूंगा अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन अगर अभी आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली भाई कमाओ, मेहनत करो एंड अर्न इट, डोंट सेटल फॉर दीस चीप वंस। और इसी नोट के साथ इस वाले वीडियो के लिए इतने रखते हैं, तब तक रिकमेंड करो आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था वीडियो का, सब्सक्राइब कर देना यहाँ तक वीडियो देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।